Let's start with the fourth one. It is same as the third one. So let's start with this again and let's try to do it complete. So in this it says man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of hill as 60 degree. तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिफरेंस किया बस कि हमारा शिप पे एक बंदा है विच इज 10 मीटर अबव इट, तो इसको हम ए बी मान लेते हैं और ऑपोजिट इट वी हैव एस अ हिल, हिल है यहाँ पे तो हिल को हम मान लेते हैं डी सी या सी डी, जो भी आप लेना चाहो उसमें मैटर नहीं करेगा. अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बन रहा है हमारा 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है हमारा इट इज 30 डिग्री, एंड इफ दिस इज 30 तो ये भी पेयर हमारा क्या हो जाता है 30 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ए बी अगर 10 है तो ई सी भी 10 होगा, और मेरे को क्या करना है हाइट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी भी निकालना है और डी ई भी निकालना है, एच और एक्स ले लेते हैं इसको. अब पहला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लोगे ट्राइंगल्स लोगे कंसिडर करोगे, जैसे कि हम एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है कौन सा ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी में क्या यूज होगा टैन 30 इज इक्वल टू, टैन 30 इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10√3 मीटर. अब ए डी ई में आप क्या करोगे यू विल टेक टैन 60 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका एच, बेस क्या हो जाएगा आपका ए ई, और ए ई इज नथिंग बट एक्स जो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, टैन 60 कितना है √3, एच हमें नोन नहीं है, ए ई की वैल्यू टैन √3 है, टैन √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 30 30 मीटर एस एच, एच की वैल्यू भी आ गई आपके पास, एक्स की वैल्यू भी आ गई. Now, what you have to do is you have to find the total height of the hill. तो 10 नीचे ऊपर वाली h जो है हमारा 30 है, 10 + 30 कितना हो गया 40 मीटर. ठीक है, सो यस दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ विल बी मूविंग टू द 5th वन.